हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? आशा करता हूँ कि पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं कौशल कुमार एक बार फिर आपके सामने गांधी सीरीज को लेकर उपस्थित हूँ। हमने लास्ट की 9 से 10 क्लासों में गांधी जी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट की चर्चा की थी। आज हम उसके आगे चर्चा करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फेथ टुवर्ड्स गॉड, ईश्वर के प्रति आस्था। फेथ टुवर्ड्स गॉड, ईश्वर के प्रति आस्था। मुद्दा यह है कि जैसा कि गांधी जी ने पहले से बता रखा है, आपको याद होगा कि गांधी जी बिलीव इन पर्सनलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। गांधी जी व्यक्तित्व पूर्ण ईश्वर की अवधारणा में विश्वास करते हैं। उनका यह कहना था कि जो ईश्वर है वह भी व्यक्तित्व पूर्ण है, उसके अंदर व्यक्तित्व है, उसके अंदर परसोना है, पर्सनालिटी है, इसलिए हमारी बातों को समझता है। इसमें गांधी कहते हैं, गांधी जी बिलीव दैट नो वर्चू कैन बी प्रैक्टिस्ड प्रॉपरली अनलेस देयर इज अ अनवेवरिंग फेथ इन गॉड बिहाइंड ऑल दीज। गांधी जी ने कहा कि संभव ही नहीं है कि कोई व्यक्ति वर्चूज को फॉलो करे, कोई व्यक्ति सद्गुणों का पालन करे और उसको ईश्वर में अटूट श्रद्धा न हो। यह हो ही नहीं सकता। देखिए, जो गांधी जी ने कहा था हम उसकी बात करते हैं। गांधी ने कहा था, मान लीजिए ईश्वर है, गॉड है, और उन्होंने सद्गुणों की बात की थी, उन्होंने वर्चुअस की चर्चा की थी। वर्चुअस वही है पांच, सत्य, ट्रुथ, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। उनका कहना है कि जो भी सद्गुण हैं, इन सद्गुणों का पालन हम तभी कर सकते हैं जब हमें ईश्वर में फेथ हो। फेथ नॉट बिलीव, क्योंकि फेथ आस्था में और बिलीव विश्वास में डिफरेंस होता है। फेथ वो होती है जो कभी भी परिवर्तित नहीं होती, जबकि जो बिलीव होता है, जो विश्वास होता है, इट कैन बी चेंज टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन, रीजन टू रीजन। मुद्दा यही है, इसलिए कहते हैं कि हमें अनवेवरिंग फेथ होनी चाहिए, हमें अगाध अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल ले, ढेर सारे ऐसे धार्मिक लोग हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, जिनमें लोग आस्था रखते थे, लेकिन जब वो किसी मामले में अपराधी साबित हुए, उन पर केस चलना शुरू हुआ, तो लोगों की श्रद्धा समाप्त हो गई। एक्चुअल वो श्रद्धा थी ही नहीं, वो क्या था? विश्वास था। विश्वास अविश्वास में परिवर्तित हो गया, लेकिन कभी भी आस्था परिवर्तित नहीं होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप सत्य बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, इन्फिनिटी तक सत्य बोलते रहिए। हो सकता है
आपके सत्य का। आप लगातार सत्य बोल रहे हैं और आपके सत्य का जो रिवार्ड मिले वो असत्य मिले। आप अहिंसा का पालन करते रहिए करते रहिए करते रहिए, आपके अहिंसा का पालन के बदले आपको हिंसा मिले। आप अस्तेय का पालन करते रहिए, आपको अस्तेय की उलट चीजें मिले। आप परिग्रह पालन करिए उससे उलट मिले, आप ब्रह्मचर्य पालन करिए इसके उलट मिले। तो आप कैसे रुके रहोगे इन चीजों पर, कैसे रुके रहोगे? इसके पीछे कॉन्सेप्ट है कि जो भी वर्चूज है, जो वर्चूज है दे आर कंडक्ट, ये आचरण है हमारे, और जो भी आचरण करते हैं हम उन आचरण का हमें कुछ परिणाम या फल प्राप्त होता है, हमें फल प्राप्त होता है। तो जो फल देने वाला है, जो कंट्रोलर ऑफ कर्म फल है वो है गॉड, वो है गॉड। अगर आप गॉड में विश्वास नहीं करते, अगर ईश्वर में आपको अगाध श्रद्धा नहीं है, अटूट श्रद्धा नहीं है, तो कुछ टाइम के बाद आप सत्य छोड़ के असत्य फॉलो करोगे, अहिंसा छोड़ हिंसा फॉलो करोगे, अस्तेय छोड़ अनस्तेय फॉलो करोगे, अपरिग्रह छोड़ परिग्रह करने लगोगे, ब्रह्म छोड़ छोड़ भौतिकतावाद फॉलो करोगे। लेकिन अगर आपको, अगर आपको विश्वास है कि ईश्वर है, ईश्वर जो है इसे मोरल जज कहा जाता है, नैतिक न्यायाधीश कहा जाता है, यही हमारे कर्म फलों को नियंत्रित करता है, यही हमारे कर्म फलों को नियंत्रित करता है। तो मुद्दा यह है कि हम कितने भी करते रहें, कोई भी हो कैसा भी हो, हर व्यक्ति को अपने कर्म फलों की प्राप्ति होती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं। जैसे आपने नाम सुना होगा कृष्ण जी का, ऐसी जो स्टोरियां होती हैं, जो धार्मिक स्टोरियां हैं, ये आपको केस स्टडी के स्तर पे, जस्टिफाई करने के स्तर पे आसान बनाती है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करती है। कृष्ण भगवान थे, उनकी माता देवकी थी, उनकी माता देवकी थी। ये दिखा रहा हूं कर्म फल हर व्यक्ति को भोगना पड़ता है, जल्दी बाद में, यह डिपेंड करता है आपके कर्म फल के प्रकार पे। तो कृष्ण जी की माता देवकी थी, देवकी माता को 14 वर्ष तक का जेल में रहना पड़ा। जब कृष्ण जी ने कंस को मार दिया तो देवकी माता ने पूछा कि ये बताइए, आप तो भगवान थे, आप चाहते तो 14 वर्ष पहले ही हमें छुड़ा लेते, आपने आने में 14 वर्ष क्यों लगा दिया? तो कृष्ण जी ने कहा कि यह आपका कर्म था जिसके अनुसार 14 वर्ष तक आपको वहां पे रहना था। बोले कैसे कर्म? बोले कि पिछले जन्म में मैं राम था, आप मेरी माता कैकेयी थी, और आपने मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था, आपके उन कर्मों का फल आपको इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। ऐसे एग्जाम्पल है, आपने सुना होगा महाभारत में पांडु थे, उनके भाई धृतराष्ट्र थे, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मर गए। धृतराष्ट्र बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, उन्होंने कृष्ण जी से पूछा, धृतराष्ट्र ने भी कृष्ण जी से पूछा
कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हो, मैं भी बहुत कुछ जानता हूं, मुझे ये ज्ञात है कि पिछले 100 जन्मों में मैंने ऐसे कोई कर्म नहीं किए हैं जिनका परिणाम मुझे 100 पुत्रों के मृत्यु से प्राप्त दुख हो। तो उन्होंने कहा कि आपको ध्यान नहीं है, आपको अपने 100 जन्मों का ज्ञात है। 100 जन्म से पहले आप एक राजा हुआ करते थे, आपने अपने रसोइये से कहा था कि आप कुछ ऐसी चीज खिलाओ, स्वादिष्ट चीज खिलाओ और लगातार 100 दिन तक मुझे खिलाना, अगर तुमने मुझे नहीं खिलाया तो मैं तुमको मृत्यु दंड दे दूंगा। तो आपके बगीचे का एक सरोवर था, उसमें एक बतख था, उस बतख के 100 बच्चे थे, उसने लगातार 100 दिन तक आपको उन बच्चों को बना के खिलाया, उस बतख ने आपको श्राप दिया था। इस प्रकार से हर चीज आपके आचरण पे डिपेंड करती है, जैसा आचरण आपने किया है आपको फल वैसा ही मिलेगा। आपको याद होगा मैंने बताया था कि हमारे जो कर्म होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है संचित कर्म, एक होता है प्रारब्ध कर्म, एक होता है क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वो होता है जिसको हम कर्म को करते तो अभी है, इसका परिणाम हमें आफ्टर सम टाइम मिलता है, बाद में मिलता है। यही परिणाम जब बाद में मिलता है उसे कहते हैं प्रारब्ध। और तीसरा है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म में जो आप करते हो कर्म उसका परिणाम आपको तुरंत मिलता है। ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। तो कभी कभी आदमी सोचता है कि मैं तो बुरे कर्म कर रहा हूं और मेरे साथ अब अच्छा अच्छा हो रहा है। कोई आदमी सोचता है मैं तो अच्छे कर्म कर रहा हूं, मेरे साथ बुरा बुरा हो रहा है। ये कैटेगराइजेशन है आपके कर्मों का। तो आप कर्म जैसे करोगे उसी प्रकार से फल मिलेगा, मिलना निश्चित है, अभी बाद में। इसीलिए जरूरी है कि जो ईश्वर है उसमें आपका अनवेवरिंग फेथ होना चाहिए। अब गांधी जी कहते हैं इट इज नॉट ओनली रिलीजियस बिलीफ, इट इज नॉट ओनली रिलीजियस बिलीफ बट मोरल एंड वर्चुअस इन फेथ ऑफ लाइफ। कहते यह केवल धार्मिक विश्वास नहीं है कि आप ईश्वर में आस्था रखते हो, यह नैतिक विश्वास भी है, यह सद्गुणीय फेथ भी है हमारे जीवन का कि हमें ईश्वर में अगाध सस्ता श्रद्धा रखनी चाहिए। गांधी कॉल्ड हिमसेल्फ एज अ प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट की हिंदी होती है व्यावहारिक प्रत्ययवादी या व्यावहारिक सिद्धांतवादी। देखिए 2 चीज होता है, एक होता है आइडियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक उसे कहते हैं जो आइडियाज की बात करता है, जो चीजें थ्योरी में होती है उनकी बात करता है। और दूसरा होता है व्यावहारिक।
जो प्रैक्टिकल की बात करता है, जो प्रैक्टिकलिटी की बात करता है। गांधी जी कह रहे हैं मेरे थ्योरीज हैं, मेरे सिद्धांत हैं, मेरे सिद्धांत व्यावहारिक भी हैं, सैद्धांतिक ही नहीं बल्कि हमारे सिद्धांत व्यावहारिक भी है। बिकॉज देयर प्रिंसिपल आर ऑफ अ सर्टेन आइडियल और दीज आर स्पिरिचुअल। इनके जो सिद्धांत हैं वो निश्चित आइडियल पे हैं, निश्चित सिद्धांतों पे आधारित, वो सिद्धांत स्पिरिचुअल है। गांधी ऑलवेज यूज स्पिरिचुअल आइडियल्स एज अ प्रैक्टिकल वेज। देखिए दो है, फिर बात को बताना पड़ेगा। स्पिरिचुअल और दूसरा होता है वर्डली। स्पिरिचुअल माने होता है आध्यात्मिक, वर्डली मीन्स सांसारिक। गांधी जी कहते दोनों चीजें मिक्स होती हैं। इसी प्रकार की बात विवेकानंद जी भी कहते थे। He also talk about this type, विवेकानंद। इनका थ्योरी था नियो वेदांती। ये नव वेदांतवादी थे या नव वेदांतवादी थे। इन्होंने कहा कि जो वेदांत है जिसे आप उपनिषद कहते हो, उपनिषद में जो बातें हैं वो ज्ञान मार्ग की बातें हैं। अगर ज्ञान मार्ग की बातें जो कि आध्यात्मिक हैं इन्होंने उसे व्यावहारिक स्तर पर लाके प्रयोग किया, इसे कहते हैं नियो वेदांतिक। यही बात गांधी जी भी कह रहे हैं, कह रहे गांधी ऑलवेज यूज स्पिरिचुअल आइडियल्स एज अ प्रैक्टिकल वेज फॉर द रीजन दैट देयर सोशल एंड पॉलिटिकल व्यूज आर डिस्पाइट बीइंग फैक्चुअल आर नॉर्मेटिव। देखिए क्या कह रहे हैं, फॉर रीजन दैट सोशल एंड पॉलिटिकल व्यूज आर डिस्पाइट बीइंग फैक्चुअल, फैक्चुअल होने के बावजूद वो क्या होते थे, नॉर्मेटिव होते थे, एक नॉर्म सेट करते थे, एक नियामक सेट करते थे, उनके सारे सिद्धांत नॉर्मेटिव होते थे। ये आज का हमारा कॉन्सेप्ट हो गया पूरा, ठीक है। अभी मैं इस क्लास को यहां पर रोक रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में हम अगले कॉन्सेप्ट पे आगे चलेंगे। थैंक यू।